नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एविसिम फिटनेस में। गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या प्री वर्कआउट जरूरी है आपके सप्लीमेंट स्टैक में, प्री वर्कआउट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन को प्री वर्कआउट लेना चाहिए और क्या प्री वर्कआउट कोई डिफरेंस क्रिएट करता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने तीन डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तीनों ही प्री वर्कआउट हैं, तीनों ही ब्रांड्स डिफरेंट हैं और तीनों ही जो ब्रांड्स हैं वो यूएसए के ब्रांड्स हैं। गाइस, जो सबसे स्मॉल टब है रेड कलर का वो है प्रो सब्स का डॉक्टर जैकिल, जो कि एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। बीच में जो टब है ग्रीन कलर का वो है एमएचपी का रेकलेस, अगेन जो है एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। और बीएसएन का जो है इंडो रश है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग प्री वर्कआउट है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री वर्कआउट का बेसिकली बेनिफिट्स क्या होते हैं। गाइज, प्री वर्कआउट जो है बेसिकली वर्कआउट से 15 मिनट या आधा घंटा पहले लेना होता है। ये बेसिकली आपको एक एनर्जी किक प्रोवाइड करता है ताकि आप अपना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्कआउट जो है वो आसानी से कर सकें। गाइज, जो लोग बेसिकली खाली पेट वर्कआउट करते हैं या फिर जिनका एनर्जी लेवल बहुत ही लो होता है, उनके लिए प्री वर्कआउट काफ़ी फायदेमंद होता है। गाइज, प्री वर्कआउट मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि आप बिगनर हैं और अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं आधे घंटे पहले अपने वर्कआउट से, तो वो भी आपको जो है एक प्री वर्कआउट का ही आपको एक तरह से आप कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन है। और जो बेसिकली आपकी ब्लैक कॉफ़ी है उसमें भी आपको कैफीन मिलेगा, प्री वर्कआउट में भी कैफीन होता है, प्लस इसमें क्रिटीन भी होता है। क्रिटीन आपके एंड्योरेंस को इंक्रीज करता है और डेफिनेटली जो है हेल्प करता है आपके वर्कआउट के दौरान। सो गाइज, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो वो सफिशिएंट है या नहीं? गाइज, अगर आप बिगनर हैं और ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, डेफिनेटली आप उसे 6 मंथ्स या फिर 1 साल तक आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन जब आप एक काफ़ी आपको समय हो जाता है वर्कआउट करते करते, तो आपके जो मसल है वो सोर होना शुरू हो जाता है, सूजना शुरू हो जाता है, काफ़ी थकना शुरू हो जाता है जब आप काफ़ी रेगुलर वर्कआउट करते हैं। तो गाइज, वहाँ पे जो है आपको एक प्री वर्कआउट ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप कर रहे हैं और आप प्री वर्कआउट नहीं लेते या फिर आपने ब्लैक कॉफ़ी नहीं ली है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है खाली पेट वर्कआउट करना। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं और आपने एक मील लिया है जो कि हाई ऑन कार्ब्स था, डेफिनेटली आप में एनर्जी होगी, लेकिन वो एनर्जी आप बहुत ही जल्दी लूज़ कर देंगे अगर आप वर्कआउट करते हैं इवनिंग में। सो गाइस, प्री वर्कआउट यही हेल्प करता है कि आप अपना वर्कआउट जो है आसानी से कर सकें, सेट्स के रिपीटेशन ज़्यादा ले सकें, हैवी वेट मार सकें या ज़्यादा लंबा वर्कआउट आप कर सकें। सो गाइस, प्री वर्कआउट में होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, कुछ ये प्री वर्कआउट्स आपके सामने, इनके सप्लीमेंट फैक्ट्स देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इनका। सो गाइस, आप देख सकते हैं प्रो सब्स का ये डॉक्टर जैकिल के सप्लीमेंट फैक्ट्स हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम मिल रहा है, नाइसिन है, बीटा एलानाइन इसमें आपको मिल रहा है। गाइज, 2.5 ग्राम बीटा एलानाइन आपके अगेन एंड्योरेंस को इंक्रीज करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो जिससे कि आप वर्कआउट आसानी से कर पाएँ, तो एक अच्छी डोज में आपको 2.5 ग्राम में बीटा एलानाइन मिल जाएगा। क्रिटेन नाइट्रेट है इसमें 1 ग्राम, अगेन क्रिटेन आपको ब्लैक कॉफ़ी में नहीं मिलेगा। उसके अलावा इसमें कैफीन 100 mg है, कैफीन डेफिनेटली आपको ब्लैक कॉफ़ी से मिल सकता है। पंप मेट्रिक्स की अगर बात करें, इसमें आपको एल सिट्रोलाइन मिल रहा है 1.5 ग्राम और गैलेस्ट्रॉल है जो कि आपको ब्लैक कॉफ़ी में नहीं मिलेगा। ये आपके जो है बेसिकली आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करते हैं और आपकी बॉडी में पंप लाते हैं ये कुछ इंग्रेडिएंट्स। सो गाइज, ये डेफिनेटली जो है ब्लैक कॉफ़ी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद डेफिनेटली आप प्री वर्कआउट ज़रूर ऐड कीजिए अपने सप्लीमेंट स्टैक में। गाइज, ये एमएचपी रेकलेस है, इसके एमएचपी रेकलेस के सप्लीमेंट फैक्ट्स हैं। इसमें आपको अगेन जो है कुछ शुगर कार्ब्स वगैरह नहीं हैं और बेसिक जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वही हैं इसमें। इसमें आपको जो कैफीन है वो 150 mg मिल रहा है और इसमें एक नेचुरल कैफीन भी डाला गया है 150 mg, जो कि आपका यरबा मेट जो कि एक लीफ है उससे लिया गया है। अश्वगंधा इसमें आपको मिल जाएगा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, 63 mg। उसके अलावा गाइस, इसमें क्रिटीन जो है सिर्फ 750 mg है, तो बहुत ही मैं कहूँगा बेसिक सप्लीमेंट है ये, बहुत ही मैं कहूँगा लाइट सप्लीमेंट है। क्रिटीन मोनोहाइड्रेट इसमें 750 mg है और कुछ और क्रिटीन्स भी इसमें डाले गए हैं। इसमें आपको क्रिटीन HCL 250 mg, क्रिटीन AB 250 mg और उसके अलावा 75 mg आपको जो है
LFATP मिल जाएगा। सो गाइज क्रिटीन जो है 1.25 ग्राम है, डिसेंट डोज है क्रिटीन की। उसके अलावा अगेन सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, एल सिट्रोलाइन है इसमें 500 mg, तो बहुत ही बेसिक मैं कहूँगा लाइट ये प्री वर्कआउट है। ऑन द अदर हैंड गाइज ये BSN का एंडो रश है गाइज, इस ये जो है काफ़ी स्ट्रांग प्री वर्कआउट है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका स्कूप साइज 13 ग्राम का है, जो कि काफ़ी बड़ा स्कूप है। उसके अलावा गाइज इसमें आपको 3 ग्राम क्रिटीन मिल जाएगा, और 1.6 ग्राम इसमें बीटा एलानाइन है, जो बाकी दो जो आपके प्री वर्कआउट थे उसमें नहीं था। उसके अलावा इसमें गाइज एल आर्जिनिन है, जो आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है 1.5 ग्राम, जो बाकी आपको किसी भी प्री वर्कआउट में नहीं दिखा। एल सिट्रोलाइन 1.5 ग्राम है, 1 ग्राम क्रिटीन है इसमें नाइट्रेट। उसके अलावा इसमें गाइज कैफीन 150 mg है, 150 mg कैफीन एन हॉर्ड्रेस है, जो कि आपका फास्ट डिजेस्टिंग कैफीन है। और उसके अलावा इसमें गाइज जो है कुछ योम्बी एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है। तो काफ़ी मैं कहूँगा 300 mg कैफीन, जो कि मैक्सिमम डोज होती है कैफीन की, वो भी इसमें आपको मिल रही है। तो काफ़ी स्ट्रांग प्री वर्कआउट है गाइज ये आपका BSN का इंडो रश। सो गाइज अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहती जब आप वर्कआउट करते हैं, तो डेफिनेटली आप प्री वर्कआउट अपने सप्लीमेंट्स टैग में ऐड कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। गाइज ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है AVSIM फिटनेस पे अवेलेबल हैं। MHP का रेकलेस 30 सर्विंग्स का टब AVSIM फिटनेस पे अवेलेबल है 1700 रुपये का। डॉक्टर जैकल नाइट्रोएक्स प्रो सब्स का 30 सर्विंग्स का टब आपका AVSIM फिटनेस पे अवेलेबल है 1900 रुपये का। BSN एंडो रश 30 सर्विंग्स का टब अवेलेबल है 2200 रुपये का। सो गाइज इन तीनों में से कोई भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो AVSIM फिटनेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस, सप्लीमेंट रिव्यूज, अनबॉक्सिंग वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस और टेस्ट टेस्ट वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से सबके लिए लाता रहूंगा। एंड गाइज मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो है उसको आप फॉलो करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।